दोनों की मुलाकात नशीली नशे किए बरसात नशीली तू भी आकर ले नशा भाई, मजा आया। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में देखने वाले हो इस तरह का ट्रेंडिंग गाने के ऊपर, इस तरह का स्टेटस वीडियो कैसे एडिट करते हैं एटमोशन ऐप में, वो हम आपको दिखाएंगे। दोस्तों, आप लोग इस गाने के ऊपर इस तरह का स्टेटस वीडियो बनाना चाहते हो तो दोस्तों आप लोग वीडियो को इन तक देखना। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस तरह का वीडियो क्रिएट करने के लिए एलर्ट मोशन ऐप की जरूरत है। दोस्तों, आपके पास एलर्ट मोशन ऐप नहीं है तो मेरे टेलीग्राम चैनल में जाके एलर्ट मोशन ऐप को डाउनलोड कर लेना। फिर दोस्तों, आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना फिर यहाँ पे आप लोगों को दो पीसेट लिंक मिलेगा और आप लोगों को दो एक्सेल फाइल का लिंक मिलेगा। आप लोग कोई भी दोनों लिंक को एलर्ट मोशन ऐप में इनपुट कर लेना। दोस्तों, पीसेट लिंक इनपुट करने के लिए आप लोगों को यहाँ पे इस ऐप्स के ऊपर आप लोग को यहाँ पे सिंग इन कर लेना। फिर आप लोग यहाँ पे नीचे प्रोजेक्ट बटन को टैप करना। फिर आप लोग जो दो पीसे लिंक को एलर्ट मोशन ऐप में इनपुट किए हैं, यानी कि दो प्रोजेक्ट को एलर्ट मोशन ऐप लोगों के इनपुट किए, उसे आप ऊपर में दिख पाओगे। एक सॉन्ग बीट में सूचन और सबसे एक बीट में सूचन। दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को सॉन्ग बीट में प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना। दोस्तों, ओपन करने के बाद आप लोगों को इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को ज्यादा कुछ नहीं करना है। दोस्तों, यहाँ पे जो टेक्स्ट लिया दिख रही है आप लोगों को, यहाँ पे इस टेक्स्ट लिया के बाद टैप करना। फिर एडिट टेक्स्ट में टैप करना। फिर आप लोगों के यहाँ पे इस वाले फोन को आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। दोस्तों, इस फोन का नेम है लिमोन मिल्क मीडियम। आप लोगों के इस फोन को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। फिर आप लोग ऊपर प्लस वाला बटन का टैप कर देना। फिर आप लोग यहाँ से बढ़ जाना। फिर आप लोग टेक्स्ट लेयर के लास्ट में आना। फिर यहाँ पे आप लोगों को जो ईमेल लेयर दिखेगी, इस ईमेल लेयर के ऊपर टैप करना। फिर आप लोग कलर फील्ड में टैप करना। फिर आप लोग यहाँ पे मीडिया बटन के ऊपर टैप करना। फिर यहाँ पे दोस्तों आप लोगों की गैलरी ओपन हो जाएगी। फिर यहाँ पे आप लोग आपकी पिक्चर को सिलेक्ट कर लेना। दोस्तों, सिलेक्ट करने के बाद आप लोग ऊपर में प्लस वाले बटन के ऊपर टैप कर देना। फिर आप लोग यहां से बाहर आ जाना। फिर आप लोगों के यहां पे इस वाले पिक्चर लेयर के लास्ट में आना, यानी कि 9.20 सेकंड पे आना। फिर यहां से आप लोग वीडियो के लास्ट तक आप लोग यहां पे आपकी पिक्चर को आप लोग यहां पे सिलेक्ट कर लेना। दोस्तों, पिक्चर सिलेक्ट करने के लिए आप लोग यहां पे रेड लाइन पे आना। फिर आप लोग यहां पे नीचे प्लस वाला बटन का टैप करना। फिर आप लोग मीडिया पे टैप करना। फिर आप लोगों के यहां पे आपकी पिक्चर को सिलेक्ट कर लेना। फिर आप लोग ऊपर में थ्री डॉट के ऊपर टैप करके आप लोग यहाँ पे फिल कंपोज एरिया में टैप कर देना। फिर इसके बाद में रेड लाइन पे आना। फिर आप लोग इस बड़े बटन के ऊपर टैप करके आप लोग इसको ट्रिम कर लेना। फिर आप लोग यहाँ से बाहर आ जाना। फिर से आप लोग यहाँ पे नीचे प्लस वाला टैप करना। फिर मीडिया में टैप करना। फिर आप लोगों की और एक पिक्चर को सिलेक्ट कर लेना। फिर आप लोग ऊपर में थ्री डॉट के ऊपर टैप करके आप लोग फिल कंपोज एरिया में टैप कर देना है। फिर आप लोग इसके बाद में रेड लाइन पे आना। फिर आप लोग यहाँ पे टैप करके इसको ट्रिम कर लेना। फिर आप लोग यहाँ से बाहर आ जाना। इस तरह दोस्तों, यहाँ पे जितना पिक्चर ऐड होगा आप लोग यहाँ पे आपकी पिक्चर को ऐड कर लेना। दोस्तों, जिस तरह मैंने बोला उस तरह आप लोग यहाँ पे रेड लाइन पे आना। फिर नीचे प्लस वाला टैप करना। फिर मीडिया में टैप करना। फिर आप लोग पिक्चर को सिलेक्ट कर लेना। फिर आप लोग ऊपर में थ्री डॉट के ऊपर टैप करके आप लोग यहाँ पे फिल कंपोज एरिया में टैप कर देना। दोस्तों, यहाँ पे आप लोग इस पिक्चर को आप लोग मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आके आप लोग इसको एडजस्ट कर सकते हो। फिर आप लोग यहाँ से बाहर जाना। फिर इसके बाद में रेड लाइन पे आना। फिर आप लोग के यहाँ पे इस वाले बटन को टैप करके आप लोग पिक्चर को ट्रिम कर लेना। फिर आप लोग यहाँ से बाहर जाना। दोस्तों, यहाँ पे पिक्चर ऐड हो जाने के बाद आप लोग इस वाले प्रोजेक्ट से बाहर जाना। फिर आप लोग यहाँ पे से एक इवेंट वाले प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना। दोस्तों, ओपन करने के बाद आप लोगों को यहाँ सबसे नीचे जो पिक्चर लिया था इस पिक्चर टैप करना। फिर आप लोग यहाँ पे इफेक्ट बटन को टैप करना। फिर आप लोग नीचे सीडर के ऊपर टैप करके आप लोग कॉपी पे कर देना। फिर आप लोग यहाँ से बाहर जाना। फिर ऊपर में आप लोगों को तीन लेयर दिखेगी, सीसी लेयर, इन तीनों लेयर को आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। फिर आप लोग डाउनलॉग्स में टैप करके आप लोग कॉपी लेयर कर देना। फिर आप लोग यहाँ से बाहर जाना। फिर आप लोग यहाँ पे सॉन्ग बीट अपोजिट को ओपन कर लेना। दोस्तों, ओपन करने के बाद आप लोग जहाँ टेक्स्ट लेयर खत्म हो रही है वहाँ पे आना, यानी कि आप लोग 8.25 सेकंड पे आना। फिर आप लोग यहाँ पे डाउनलॉग्स में टैप करके आप लोग पेज थ्री लेयर कर देना। फिर इसके बाद में जो आप लोग जहाँ पे आप लोगों के पिक्चर ऐड किए हैं उस वाले पिक्चर लेयर पे टैप करना। फिर आप लोग इफेक्ट टैप करना। फिर आप लोग थ्री लेयर के ऊपर टैप करके आप लोग पेस्ट पे कर देना। फिर आप लोग यहाँ से बाहर जाना। फिर आप लोग यहाँ पे नेक्स्ट पिक्चर पे आना। फिर आप लोग इस पिक्चर टैप करना। फिर इफेक्ट टैप करना। फिर थ्री लेयर के ऊपर टैप करके आप लोग पेस्ट पे कर देना। फिर आप लोग यहाँ से बाहर जाना। फिर आप लोग यहाँ पे नेक्स्ट पिक्चर पे आना। फिर इस पिक्चर टैप करना। फिर इफेक्ट में टैप करना। फिर आप लोग थ्री लेयर के ऊपर टैप करके आप लोग पेस्ट पे कर देना। फिर आप लोग ऐसे बाहर जाना। इस तरह दोस्तों, आप लोग इन सारे पिक्चर लेयर में आप लोगों के इस वाले इफेक्ट को आप लोग यहाँ पे पेस्ट कर लेना। दोस्तों, जिस तरह मैंने बोला उस तरह आप पिक्चर का टैप करना। फिर इफेक्ट में टैप करना। फिर टैप करके आप लोग पेस्ट इफेक्ट कर देना। फिर आप लोग यहाँ से बाहर जाना।
दोस्तों यहाँ पे सारी पिक्चर लाइन में इफेक्ट पेस्ट हो जाने के बाद आप लोग जहाँ पे तीन सीसी लेयर को पेस्ट की है वहाँ पे आना। फिर आप लोग इन तीन सीसी लेयर को यानी कि तीन इफेक्ट लेयर को आप लोग यहाँ पे होल्ड करके आई पर्सन के पास में होल्ड करके आप लोग यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेना। फिर आप लोग वीडियो के लास्ट में चले आना। फिर आप लोग नीचे इस वाले बटन के ऊपर टैप कर देना यानी कि इस वाले तीनों लेयर को आप लोग वीडियो के लास्ट तक कर लेना। फिर आप लोग यहाँ से बाहर जाना। दोस्तों यहाँ पे वीडियो कम्प्लीट हो चुकी है। दोस्तों जिस तरह मैंने दिखाया उस तरह आप लोग इस वाले स्टेटस वीडियो को यहाँ पे आप लोग एडिट कर लेना। दोस्तों आप लोग एक्सेल फाइल को इनपुट करके आप लोग यहाँ पे वीडियो को एडिट कर रहे हैं तो आप लोग इस वाले स्टेटस वीडियो के गाने को आप लोग यहाँ पे ऐड कर लेना। दोस्तों सॉन्ग ऐड करने के लिए आप लोग यहाँ पे नीचे प्लस वाला बटन टैप करना। फिर आप लोग मीडिया में टैप करना। फिर मैं इस स्टेटस वीडियो की डाउनलोड की लिंक दे देंगे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहां से जाके आप लोग इस वाले वीडियो को आप लोग यहाँ पे डाउनलोड कर लेना। फिर दोस्तों आप लोग इस वाले वीडियो को आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। दोस्तों सिलेक्ट करने के बाद आप लोग ऊपर प्लस वाला बटन टैप कर देना। फिर आप लोग यहाँ से बाहर जाना। फिर आप लोग जो वीडियो को सिलेक्ट की है यानी कि इस वाले वीडियो लेयर के ऊपर टैप करना। फिर आप लोग ऊपर में थ्रेडर के ऊपर टैप करना। फिर आप लोग यहाँ पे एक्सट्रैक्ट ऑडियो में टैप कर देना। फिर आप लोग यहाँ पे नीचे जो वीडियो लेयर है जो वीडियो लेयर को आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट किया उस वीडियो लेयर के ऊपर टैप करना। फिर आप लोग ऊपर में डिलीट बटन के ऊपर टैप कर देना। इस तरह दोस्तों आप लोग इस वाले स्टेटस वीडियो के गाने को आप लोग इस तरह यहाँ पे ऐड कर लेना। दोस्तों आप लोग प्रीसेट फाइल को इनपुट करके वीडियो को एडिट कर रहे हैं तो आप लोगों को यहाँ पे सॉन्ग ऐड करने का कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों वीडियो कम्प्लीट हो जाने के बाद आप लोग ऊपर में इस वाला बटन का टैप करना। फिर दोस्तों आप लोग इस वीडियो को नीचे एक्सपोर्ट बटन के ऊपर टैप करके आप लोग यहाँ पे वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना। दोस्तों यहाँ पे वीडियो एक्सपोर्ट हो जाने के बाद आप लोग यहाँ पे नीचे से बड़े बटन के ऊपर टैप करके आप लोग यहाँ पे वीडियो को सेव कर लेना। दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर देना। दोस्तों चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।